हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग 10th का जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.4, इसके नीचे जब आप पढ़ेंगे तो ये लिखा है यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ और मुझे जो लगता है, ये चैप्टर मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन स्टैंडर्ड हैं और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ भी दिया जाए। नीचे तो लिखा है प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन ये चैप्टर आपका जानना बहुत ज़रूरी है। इसको सब लोग नहीं पढ़ाते, काफ़ी कम लोग इसको पढ़ाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसा भी है जो एडवांस टाइप का है, जो एक आध ऐसा भी है जो लेंथी टाइप का है। लास्ट क्वेश्चन स्पेशली जो लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा इसका, बाकी सब बहुत लॉन्ग नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आइए हम लोग इसको समझते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। पहला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की भी को भी सत्यापित कीजिए। अपने कॉपी और किताब निकाल लीजिए, सामने देखेंगे आप। सबसे पहले त्रिघात बहुपद का जहाँ तक सवाल होता है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोग को पता है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स क्यू जोड़ बी एक्स स्क्वायर जोड़ सी एक्स जोड़ डी। इसमें 3 शून्यक होते हैं, एक अल्फा, एक बीटा मानते हैं और तीसरे को क्या मानते हैं, गामा मानते हैं। यानी एक शून्यक हमारा हो जाता है अल्फा और एक शून्यक हो जाता है बीटा और एक शून्यक हो जाता है गामा। अगर जहाँ तक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जहाँ तक सवाल है, इसके शून्यकों का योगफल भी होता है -b/a होता है, ठीक है। और इसके जब शून्यकों को अलग अलग ले करके गुणनफल करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा इक्वल टू होता है हमारा c/a होता है, और तीनों का जब गुणनफल कर देते हैं अल्फा बीटा गामा बराबर होता है हमारा -d/a। सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले इस सूत्र का ध्यान में होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तब जाकर के क्वेश्चन कहीं ध्यान ठीक से समझ में आएगा। अब चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है, जैसे हम लोगों ने द्विघात बहुपद में किया था। पहला का 1 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, वह है 2x³ + x² - 5x और +2 है, और इसमें शून्यक जो है वो दिया है 1/2, यानी हमारा अल्फा का मान लेंगे इसको 1, बीटा का मान लेंगे और -2 इसको गामा का मान लेंगे, 1/2, 1 और -2। सबसे पहले हम लोग को उनके शून्यक है पहले दर्शा देना है, ठीक है। चूँकि देखिए कैसे शून्यक है दर्शा देंगे, बारी बारी से एक्स के जगह पर 1/2 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार -2 रखेंगे और दिखा देंगे कि ये शून्य के बराबर है, तभी ना शून्यक होगा ये। चूँकि पी एक्स बराबर 2x³ जोड़ x² - 5x और जोड़ 2। एक बार हम लोग को रखना है एक्स का मान 1/2 रखना है, पहले एक्स का मान 1/2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे और फिर -2 रखेंगे, बराबर अब हमारा 2 × x के जगह पर क्या 1/2 का कर देंगे क्यू, और प्लस x² यानी 1/2 का होल स्क्वायर -5x यानी 5 × 1/2 और प्लस क्या हो जाएगा 2। देखेगा 2 × 1 का क्यू करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यू करेंगे तो 2 × 4 × 8 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 × 4 होगा, -5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 और 2 हो जाएगा 2 और प्लस क्या होगा 2 होगा। यहाँ पे 2 से 8 कट जाएगा, कितना बार में, 4 बार में, हमारे ये हो गया 1/4 और प्लस
एक बटा चार और माइनस पाँच बटा दो और प्लस क्या दो, इस दो के ही बटा में क्या है एक है। अब इसका भिन्न का जोड़ घटाव कर लेंगे, चार चार दो एक का एलसीएम कितना होगा चार होगा, चार एकम चार एक एकम एक, चार एकम चार एक एकम एक, माइनस दो दूना चार दो पचे दस और प्लस एक चौका चार चार दूना आठ। अब देखिए आठ एक नौ एक दस, ये प्लस में दस होगा और माइनस दस और बटा क्या हो जाएगा चार, दस में से दस गया तो जीरो और बटा हो जाएगा चार, जीरो में चार से भाग करेंगे तो चार, सॉरी जीरो में चार से भाग करेंगे तो जीरो। हम लोगों ने एक शून्य दर्शा दिया एक बटा दो रख करके, वैसे ही एक भी रख करके दर्शा देंगे और वैसे ही हम लोग माइनस दो भी रख करके दर्शा देंगे। पुनः पी, अब एक बटा दो के जगह पर क्या रखना है, इस बार एक रखना है, एक पी वन इक्वल टू टू एक्स क्यू यानी दो इंटू एक का क्यू प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर माइनस पाँच एक्स यानी पाँच गुना एक्स का मान एक और प्लस क्या दो। अब देखिए दो एक का क्यू एक होगा प्लस एक का स्क्वायर एक होगा और माइनस पाँच एकम पाँच और प्लस हो जाएगा दो, दो में एक से गुना करेंगे तो दो होगा और प्लस एक और माइनस पाँच और जोड़ क्या हो जाएगा दो, यानी दो एक तीन, तीन दो पाँच, पाँच में से पाँच घटाएंगे तो क्या होगा जीरो होगा, यह भी हमारा जीरो के बराबर हो गया। पुनः आगे बढ़ेंगे और इस बार क्या लेंगे पी और एक्स के जगह पर क्या लेंगे माइनस टू, यहाँ पर माइनस टू लेना है ना, तीसरा जो है माइनस टू है इसका शून्य, हम लोग को पता है त्रिघात बहुपद में तीन शून्य होते हैं, दो का बारी बारी से हम लोगों ने निकाला तो शून्य आया और तीसरा निकाल रहे हैं माइनस दो लेकर के, माइनस दो रखेंगे अब दो इंटू माइनस दो का कर देंगे होल क्यू और प्लस इसके पहले एक का स्क्वायर किए थे यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो माइनस दो का कर देंगे होल स्क्वायर माइनस पाँच एक्स यानी पाँच गुना एक्स का मान माइनस दो और प्लस दो, दो गुना माइनस दो को तीन बार गुना करेंगे दो दूना चार दूना आठ, लेकिन होगा ये माइनस आठ होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस को तीन बार गुना करेंगे तो माइनस ही ना होगा और प्लस माइनस दो का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा दो दूना चार और माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा पाँच दूना दस और प्लस क्या होगा दो, यहाँ पे दो में आठ से गुना कीजिएगा तो क्या होगा दो अठे सोलह और प्लस हो जाएगा चार और प्लस दस और प्लस क्या दो, प्लस वाले को पहले जोड़ दीजिए दस चार चौदह दो सोलह और सोलह में से सोलह घटाएंगे तो क्या होगा जीरो होगा, हमारा ये सब शून्य के बराबर आ गया। हम लोगों ने इसको सत्यापित कर, अब क्या करना है इसके शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। अब चलिए देखिएगा देखिए, चूंकि सत्यापन के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है क्या माइनस बी और बटा क्या होता है ए होता है, अल्फा का मान हम लोग का तीन, अल्फा बीटा गामा तीन ठो है, एक है अल्फा का मान हम लोग मान लेंगे एक बटा दो प्लस बीटा का मान मान लेंगे एक और तीसरा क्या है माइनस दो और बराबर माइनस बी बटा ए, यानी ये सूत्र का माइनस और बी का मान क्वेश्चन में देखे क्या है बी का मान है एक और बटा ए, ए का मान दो है ना, एक बटा दो प्लस एक और प्लस माइनस माइनस दो बराबर इधर माइनस एक बटा दो, ये बराबर कर देना इसको यानी एक बटा दो और प्लस एक में से माइनस दो घटेगा तो माइनस एक बराबर माइनस एक बटा दो, इसका बटा घटाव करेंगे तो दो एक का लघुत्तम दो, दो एकम दो एक एकम एक माइनस एक दूना दो, दो एकम दो बराबर माइनस एक बटा दो, एक में से दो घटाएंगे तो क्या होगा माइनस एक बटा दो बराबर हो गया माइनस एक बटा दो, ठीक है। वैसे ही ये एक ठो सत्यापन हो गया और फिर पुनः अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होता है सी बटा ए होता है, यानी हमारा अल्फा का मान कितना है एक बटा दो और एक गुना बीटा का मान क्या है एक प्लस फिर बीटा का मान क्या है एक और गुना अल्फा का मान सॉरी गामा का मान कितना है माइनस दो और फिर प्लस अल्फा का मान कितना है एक बटा दो और गुना गामा का मान कितना है माइनस दो बराबर सी बटा ए, क्वेश्चन में सी है सी का मान कितना होगा हमारा सी का मान है दो,
सॉरी दो नहीं है, सी का मान है हमारा माइनस पाँच और बटा सी बटा ए है ना इसका सूत्र, और ए का मान कितना है हमारा, ए का मान है दो। अब यहाँ पे एक में एक से गुना कर रहे हैं तो एक हो रहा है और बटा दो, और प्लस एक में माइनस दो से गुना करेंगे तो एक दूना दो माइनस दो हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ये दो से दो क्या कीजिए कटा दीजिए, तो हमारा क्या बचेगा एक में और ये प्लस एक और ये है यहाँ पे माइनस एक, माइनस एक में प्लस एक से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस एक हो जाएगा, ये प्लस एक नहीं होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक हो जाएगा, बराबर माइनस पाँच बटा हो जाएगा दो। यहाँ पे क्या करेंगे एक बटा दो और माइनस दो, माइनस एक क्या होगा माइनस तीन, बराबर इधर माइनस पाँच बटा दो, बटा में क्या छुपा है इसके बटा में एक छुपा है ना, अब इसका बटा घटाव कर लीजिए, दो एक अलग उत्तम दो, दो एकम दो, एक एकम एक, और माइनस एक दूना दो, दो तिया छः बराबर माइनस पाँच बटा दो। देखिए यहाँ पे एक में से छः घटाएंगे तो क्या होगा माइनस पाँच बटा हो गया दो, हो गया ना बराबर इधर माइनस पाँच बटा दो हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब इधर ही हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा कंजूसी करके इधर इसको एडजस्ट कर देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, अब तीसरा जो है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या माइनस डी बटा, ये सूत्र होता है, तो हमारा अल्फ़ा का मान कितना है एक बटा दो, और गुना बीटा का मान कितना है एक, और गुना गामा का मान कितना है माइनस दो, और बराबर माइनस डी बटा ई, डी का मान देखिए तो क्वेश्चन में क्या है माइनस प्लस दो है ना, तो सूत्र का माइनस और वो हमारा दो, डी का मान दो कैसे, ये हमारा ए है यह बी है यह सी है और डी है, डी का मान दो है, डी का मान दो और बटा ए का मान भी दो है। अब देखिए यहाँ पे दो से दो ये क्या होगा गुना में है तो कट जाएगा, और इधर हो गया माइनस एक और बराबर दो एकम दो, इधर भी हो गया माइनस एक, हमारा प्रूफ हो गया, सत्यापित हमारा क्वेश्चन हो गया। वैसे ही इसका दो नंबर क्वेश्चन जो है वह है एक्स क्यू माइनस चार एक्स स्क्वायर जोड़ पाँच एक्स माइनस दो, और तीन टू इसका शून्यक जो है वह है दो एक एक, तो आसानी से बन जाएगा दो एक और एक, दो एक और एक है। चलिए सबसे पहले चूंकि पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू है, क्रम थोड़ा साधारण चल रहा है, या एक्स का मान हम लोग का दो, एक्स क्यू यानी दो का क्यू माइनस चार एक्स स्क्वायर यानी एक्स के जगह पर दो का स्क्वायर जोड़ पाँच एक्स यानी पाँच गुना दो और माइनस दो, दो का क्यू क्या होगा आठ, और माइनस चार गुना दो का स्क्वायर चार और पाँच दूना दस और माइनस दो यानी आठ माइनस चार चौका सोलह, और प्लस दस में से दो गया तो आठ, प्लस वाला आठ आठ जोड़ेंगे तो सोलह, और सोलह माइनस सोलह, सोलह में सोलह घटाएंगे तो क्या होगा जीरो होगा। फिर पुनः पी टू निकाले थे पी वन निकालेंगे, फिर पी वन निकालेंगे दो बार, पी वन इक्वल टू एक्स क्यू यानी एक का क्यू माइनस चार इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर प्लस पाँच एक्स यानी पाँच गुना एक और माइनस दो, एक का क्यू एक और माइनस चार, एक का स्क्वायर एक और चार में एक से गुना करेंगे तो चार प्लस पाँच एकम पाँच माइनस हो जाएगा दो, प्लस में पाँच है और एक है छः और माइनस चार माइनस दो माइनस छः, छः में छः हो गया तो क्या हो जाएगा जीरो। फिर पुनः पी वन बराबर सेम वैसे ही दोहरा देंगे इसको, एक क्यू माइनस चार इंटू एक स्क्वायर जोड़ पाँच गुना एक माइनस दो, आप सोल्व करेंगे इसको तो वैसे ही आएगा जैसे ऊपर वाला आया है, हम बिना दिमाग लगाए इसको ऊपर वाले के जैसा ही लिख दे रहे हैं, छः में छः गया तो जीरो। अब इसके सत्यापन के लिए हम लोग चलेंगे आगे, सत्यापन के लिए जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो चूँकि अल्फ़ा प्लस
बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। यानी अल्फा का मान हम लोग का कितना है 2, बीटा का मान क्या है 1 और गामा का भी मान क्या है 1 बराबर माइनस, यहाँ बी का मान देख रहे हैं क्या है माइनस 4 है, तो उस माइनस 4 को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो सूत्र वाला माइनस है और बटा ए का मान है 1, यानी 2 1 3 1 4 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा बराबर क्या होता है सूत्र, सी बटा ए होता है। अल्फ़ा का मान हमारा कितना है 2 गुना बीटा का मान है 1 और प्लस फिर बीटा का मान 1 और गुना गामा का मान 1 प्लस अल्फ़ा का मान 2 और गुना गामा का मान 1 बराबर सी बटा ए। सी का मान है हमारा 5 और बटा ए का मान है यहाँ पे 1 है ना 1, यानी 2 एकम 2 जोड़ 1 एकम 1 जोड़ 2 एकम 2 बराबर हो जाएगा 5, 2 1 3 2 क्या हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, है ना। वैसे ही अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा अगर करते हैं तो बराबर हमारा सूत्र क्या होता है माइनस डी बटा ए होता है, माइनस डी बटा ए, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फ़ा का मान कितना है 2 है, बीटा का मान 1 है और गामा का मान भी 1 है और बराबर माइनस डी बटा ए, डी का मान माइनस 2 है और बटा ए का मान 1 है, यानी 2 बराबर इधर भी हो जाएगा 2। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शून्यकों का योग, यानी यहाँ क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग दिया गया है कितना, दो। शून्यकों का योग कितना है 2 है। अब देखिए, और दोनों को एक साथ लेकर, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा दोनों को एक साथ, ये तीनों को ऐसे करके योगफल जो है वो हमारा कितना है क्वेश्चन में दिया है -7, और फिर इसका शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा दिया है कितना -14। तो इसे त्रिघात बहुपद निकालना है। हम लोग को पता है कि त्रिघात बहुपद जो है वो क्या होता है, ए एक्स क्यू जोड़ बी एक्स स्क्वायर जोड़ सी एक्स जोड़ डी होता है, ही होता है ना। तो अगर ए बी सी डी का मान हम लोग निकाल लें तो हमारा त्रिघात बहुपद आसानी से निकल जाएगा। अब इसी सूत्र से देख लीजिए, चूँकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होता है माइनस बी बटा ए बराबर, माइनस बी बटा ए बराबर क्या दिया गया है 2, तथा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होता है सी बटा ए बराबर क्या दिया गया है 7, और ए अल्फा बीटा गामा का मान कितना होता है, अल्फा बीटा गामा का मान क्या होता है माइनस डी बटा ए का मान दिया गया है यहाँ पे -14। अब देखिए, इसके बटा में भी क्या छुपा है 1, इसके बटा में भी क्या छुपा है 1 और इसके बटा में भी क्या छुपा है 1। इससे तो स्पष्ट है कि ए का मान क्या होगा 1 होगा, ए का मान क्या होगा 1 होगा, यानी ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ए बराबर क्या निकल गया ए निकल गया। अब चलिए, अब इससे हम लोग बी का मान निकाल लेते हैं। बी का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए, माइनस बी में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस बी बराबर 2 में ए से गुना करेंगे तो 2 ए होगा, होगा ना। यानी माइनस बी बराबर हमारा हो जाएगा 2 में ए का मान हम लोग का क्या निकल चुका है 1 निकल चुका है, यानी माइनस बी बराबर हमारा 2 एकम 2, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी बराबर माइनस वाला इधर आएगा तो ये हो जाएगा -2, यानी हमारा बी का भी मान निकल गया क्या -2 निकल गया। वैसे ही हम लोग सी और डी का भी मान निकाल लें, चूँकि अब यहाँ पे देख रहे हैं कि चूँकि सी बटा ए बराबर क्या है -7 है ना। अब इसे सी का मान निकालना है, सी बटा ए बराबर क्या है -7 है, यानी सी और बटा ए का मान हम लोग का क्या निकला है 1 और बराबर इधर -7, यानी सी में 1 से गुना करेंगे तो सी और -7 में 1 से गुना करेंगे तो -7, यानी सी का मान निकल गया -7। अब हम लोग को क्या निकालना है, डी निकालना है।
चूँकि अब यहाँ पे देखिए, चूँकि समझने के लिए यहाँ पे, चूँकि माइनस डी बटा ए बराबर क्या, माइनस 14/1, यानी हमारा हो जाएगा माइनस डी, डी का ही मान निकालना है, बटा ए का मान 1 बराबर माइनस 14/1, ये माइनस माइनस हम लोग हटा सकते हैं, तो डी में बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी डी का मान निकल गया 14। चूँकि त्रिघात बहुपद बराबर होता है, चूँकि त्रिघात बहुपद बराबर ए एक्स क्यू जोड़ बी एक्स स्क्वायर जोड़ सी एक्स जोड़ डी होता है ना, एक्स क्यू जोड़ बी एक्स स्क्वायर जोड़ सी एक्स जोड़ क्या होता है, डी, यानी ए का मान हमारा हो गया एक है, तो एक्स क्यू हो जाएगा प्लस बी का मान क्या निकला है, माइनस दो, यानी ये हो जाएगा हमारा बी का मान हो जाएगा माइनस दो, और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, सी का मान क्या निकला है, माइनस सात, और एक्स, और प्लस डी का मान निकला है 14 निकला है, यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस दो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सात एक्स और प्लस क्या 14, यानी हमारा त्रिघात बहुपद हो जाएगा एक्स क्यू माइनस दो एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स जोड़ 14, ही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस तीन एक्स स्क्वायर जोड़ एक के शून्यक एक्स क्यू माइनस तीन एक्स स्क्वायर जोड़ एक के शून्यक ए माइनस बी, एक्स क्यू माइनस तीन एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स जोड़ एक के शून्यक है हमारा ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, तीन शून्यक है, अल्फा बीटा गामा तीन शून्यक है, तो ए और बी का मान याद कीजिए, बहुत आसान है, देखिए ए और बी का मान निकालना है। देखिएगा यहाँ पे ए बराबर हमारा क्या दिख रहा है, एक, बी बराबर क्या दिख रहा है, माइनस तीन, और सी बराबर क्या दिख रहा है, एक, और डी बराबर क्या दिख रहा है, एक, है ना। चूँकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए होता है ना, अल्फा का मान हमारा कितना है, ए माइनस बी, प्लस बीटा का मान हमारा कितना है, ए, और प्लस गामा का मान कितना है, बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और बराबर है हमारा माइनस बी बटा ए, बी, बी का मान हमारा कितना है, देखिए तो माइनस तीन, और बटा ए का मान कितना है, एक, ए का मान कितना है, एक, यानी माइनस बी और प्लस बी क्या होगा, कट जाएगा, एक ए दो ए तीन ए, तीन ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तीन हो जाएगा, इसलिए ए बराबर हमारा तीन बटा तीन, तीन में तीन से भाग करेंगे तो क्या होगा, एक बार में कट जाएगा, यानी ए का मान कितना निकल गया हमारा, एक। अब चलते हैं बी का मान निकालते हैं। अच्छा एक बात बताइए, त्रिघात बहुपद और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बटा ए होता है, यही होता है ना, माइनस डी बटा ए होता है। हम लोग को बी का मान निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा का मान ए माइनस बी, बीटा का मान ए, और गामा का मान ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी अल्फा है बीटा है गामा बराबर माइनस डी बटे, माइनस डी का मान हमारा कितना है, डी का मान है एक, और ए का भी मान है एक, यानी माइनस डी माइनस एक और बटे का भी मान है एक। अब देखिए ए का मान हम लोग का क्या अभी निकला है, ए का मान निकला है हमारा एक निकला है, ए का मान एक निकला है ना, ए का मान एक निकला है, एक माइनस बी इंटू ए का मान हमारा एक है, और इंटू ए का मान एक, और प्लस बी बराबर एक में माइनस एक से भाग करेंगे तो माइनस एक, एक माइनस बी से एक में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक माइनस बी हो जाएगा, और इंटू एक प्लस बी हो जाएगा बराबर ए माइनस एक हो जाएगा। अब देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर सूत्र क्या होता है,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा माइनस एक हो जाएगा, यानी एक का स्क्वायर एक और माइनस बी स्क्वायर बराबर इधर माइनस एक, यानी माइनस बी स्क्वायर बराबर इधर माइनस एक और प्लस एक इधर आएगा तो माइनस एक हो जाएगा, है ना। यानी माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस एक क्या होगा माइनस दो, ये माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी प्लस रूट दो तथा माइनस रूट दो। ये जो रूट में जो मान होता है प्लस माइनस दोनों में होता है, अतः ए बराबर हमारा क्या हो गया एक और तथा बी बराबर क्या हो गया प्लस माइनस रूट दो, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, यानी हमारा अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 4 नंबर और 5 नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जैसे 4-5 हमारा क्वेश्चन समाप्त होगा, ऐच्छिक समाप्त होगा, उसके अगले वीडियो में हम लोग का टेस्ट योरसेल्फ आपका दूसरे चैप्टर का टेस्ट होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही।